हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बाजरे का खिचड़ा बनाने जा रही हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो बाजरा ले लिया है। उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और 10 मिनट के लिए इसे भिगो देंगे ताकि इसके ऊपर की जो परत है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे 10 मिनट हो गई है, तो ये देखिए अपना बाजरा भी भीग के रेडी हो गया है। तो इसे मामदस्ते में डाल लेते हैं और 5 से 7 मिनट के लिए इसे कूटेंगे ताकि इसकी ऊपर की जो परत है वो उतर जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी परत निकलने लग गई है। थोड़ी सी देर और कूटेंगे इसे। तो अभी इसकी परत निकल गई है, तो अभी इसे छान लेते हैं छन्नी से ताकि इसका जो भी कचरा है वो निकल जाए बाजरे का। तो ये देखिए पूरा बाजरा मैंने छान के रेडी कर लिया है, तो इतना कचरा निकला है इसके अंदर, ये साइड कर देते हैं। और ये देखिए बिल्कुल साफ बाजरा हो गया है। अब इससे भी हल कूट लेते हैं बारीक बारीक। तो वापस से मैं अमाम दस्ते में कूट रही हूँ। अगर आप अमाम दस्ते में नहीं कूटते हो तो आप मिक्सी में भी पल्स मोड पे पीस सकते हो इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना कूटना है, थोड़ा सा और कूटेंगे। अभी ये दर मोटा है अभी बाजरा, थोड़ा सा और कूट लेंगे इसे अभी। तो अपना बाजरा कूट के रेडी हो गया है, तो इसे निकाल लेते हैं बर्तन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना बारीक बाजरा कूटना है अपने को। तो यहाँ पे मूंगफली ले लेती हूँ मैं। अब इसे दरदरी से पीस लूँगी मिक्सी के जार में। यहाँ पे खिचड़ी के अंदर मूंगफली डालते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने दरदरी से इसे पीस लिया है और जो खिचड़ी कुटी हुई थी उसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए चूल्हे की दाल है, तो इसे भी मैं धो के साफ करके धो ली थी। तो यहाँ पे मैंने गैस पे पानी चढ़ा दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा गुनगुना सा पानी हो गया है। अब जितना बाजरा लिया है उसका 4 गुना पानी इसके अंदर डालेंगे। तो अब ये पानी हल्का गुनगुना है तो इसके अंदर डाल देंगे। अगर ज़्यादा गर्म पानी में डालेंगे तो अपनी गुठलियाँ पड़ सकती है। तो जो धुली हुई दाल थी वो भी डाल देंगे। अभी इसे हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये तले में चिपक सकता है। थोड़ी देर इसे हिलाएंगे जब तक इसमें उकाली नहीं आ जाए। फ्रेंड्स, सर्दियों में बाजरा खाना बहुत अच्छा रहता है ताकि शरीर में गर्माहट आती है। तो ये देखिए अभी हिलाते रहेंगे इस तरह से। तो अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और हिलाएंगे इसे। तो ये देखिए अच्छे से उकाली आ रही है, अपने बाजरे की खिचड़ी अच्छे से तैयार हो रही है। तो ये देखिए अपने बाजरे की खिचड़ी बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने घी के साथ सर्व किया है। अगर आप गुड़ या शक्कर के साथ खाना चाहते हो तो उसके साथ भी खा सकते हो।